सुल्तानपुर में लोगों को मुंगेरी लाल के हसीन सपने दिखाकर भोली भाली मासूम बेरोजगार जनता से ठगी करने वाले लोगों की भरमार है। बेरोजगार युवक युवतियों को मार्केटिंग के नाम पर तो कभी प्रोडक्ट कम से कम कीमत में बेचकर लखपति बनने का सपना दिखाकर उनसे पहले तो मोटी रकम जमा कराई जाती है और फिर लाखों रुपया बटोर कर चंपत हो जाते हैं। ऐसा नहीं है कि पुलिस प्रशासन को इसकी भनक नहीं रहती, कभी कभी तो वो भी बेजा तौर से हमवार होकर उनका सहयोग करती है। बाद में जब पानी नाक के ऊपर से निकलने लगता है तब पुलिस अपना दामन साफ करने के लिए कार्रवाई करने लगती है। इसी तरह से सुल्तानपुर में भी ब्राइट फ्यूचर लाइफ प्राइवेट लिमिटेड हेड ऑफिस मुंबई ब्रांच सुल्तानपुर में खोलकर ठगी करने का कारनामा सुल्तानपुर शहर के काशीराम आवास कॉलोनी में किया जा रहा था। जब तक लोग कुछ समझ पाते तब तक लोगों का काफी रुपया डकार कर हड़प कर लिया गया था। बताते चलें कि भोली भाली बेरोजगार जनता को नौकरी और मार्केटिंग के नाम पर ठगी के शिकार बनाने वाले ठग को दर्जनों युवक और युवतियों ने जब जालसाजी और धोखाधड़ी के आरोप में युवक की शिकायत डायल 100 के माध्यम से पुलिस को की तो वहीं पुलिस ने उनको पकड़वाया। और अगर बात करें तो पुलिस ने आरोपी युवक को हिरासत में लेकर कोतवाली नगर में पूछताछ करना शुरू कर दी। पुलिस अब तहरीर के आधार पर आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की तैयारी में जुट गई है। वहीं पीड़ित लोगों ने बताया कि आरोपी दिलशाद से मार्केटिंग की नौकरी का झांसा देकर करीब 500 बेरोजगारों से मोटी रकम वसूल किया, फिर रुपया साल भर में डबल करने की स्कीम बताकर लाखों रुपए ठगी करके वसूल कर चुका है। आरोपी ठगी का खेल कई साल से कर रहा था और यह ठग दूसरे प्रदेश और अन्य जिलों के बेरोजगारों को अपना निशाना बनाता था। इतना ही नहीं, यह विरोध करने पर बेरोजगारों को सरेआम पीटता भी था। पिछले दिनों काशीराम कॉलोनी में एक बेरोजगार को खूब पीट रहा था जिसका वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हुआ था, लेकिन तब तक पुलिस की कान में जू तक नहीं रेंगी। आज जब लोगों के सब्र का बांध टूट गया और उन्होंने इसकी शिकायत जब डायल 100 के माध्यम से पुलिस को दी तब कहीं जाकर पुलिस हरकत में आई और ठग को लेकर कोतवाली नगर में लाई और ठगी के शिकार लोगों की तहरीर पर मुकदमा दर्ज करने की कार्रवाई शुरू कर दी और इसकी जाँच पड़ताल में लग गई है कि इसकी जड़ें कहाँ तक फैली हुई हैं। भैया श्याम बहादुर, कहाँ से आए? हैदराबाद से। क्या मामला है सर? ये नेटवर्किंग कंपनी में है और बोल रहे थे कि ऐसे ऐसे आओ और पैसा लगाओ, पैसा लगाने के बाद इतना कमाओगे सर, फ्रेंचाइजी खुलेगी, उसकी आर्नर बन जाओगे आप और आर्नर बनने के बाद महीने 1.5-2 लाख रुपए कमाओगे, एक बार 8,000 रुपए लगाओगे और वैसे वो आएंगे, वो 8,000 लगाएंगे, ऐसे जोड़ जोड़ करके लोगों को मतलब 500-600 लोगों का ऐसे पैसा खा लिया सर। खा लिया? जी सर। कौन खा लिया? मोहम्मद दिलशाद सर। क्या लालच दिया आपको? लालच ये दिया कि आप चलिए सुल्तानपुर में, हम लोकल के हैं, यहाँ पे रह के फ्रेंचाइजी खोलेंगे, आप उसके आर्नर बन जाओगे और आर्नर बनने के बाद आप फ्रेंचाइजी मालिक बन के 1.5 लाख रुपए कमाओगे महीना। आपका क्या नाम भैया? मोहम्मद मुसी नाम है। मैं बनारस का रहने वाला हूँ। बनारस का रहने वाले हैं, क्या मामला है? मामला यही वही जो आप जो हमारे सर ने बताया वही हमारा मामला है। दो आदमी के लाइए आप, वो भी लगाएंगे 8,000 रुपया, वो भी ऐसे कमाएंगे, आप अब बड़े आदमी बन जाएंगे, बड़े आदमी बनने के बाद आपका सपना भी पूरा होगा, हर चीज़ आपकी पूरी होगी। क्या नाम है इनका? मोहम्मद दिलशाद नाम इनका। कहाँ के रहने वाले हैं ये? यही सुल्तानपुर रहने वाले हैं। किसे संपर्क हुआ इनसे? हमारे असगर भाई जो हैं उन्हीं की वजह से संपर्क हुआ। असगर कौन है? हमारे वो बताए भैया, आपका संपर्क कैसे हुआ इनसे? ये हमारे सीनियर के माध्यम से मिला है, हम लोग लखनऊ जिससे शहर में और वहीं पर हम लोग को प्लान दिखाया गया और प्लान दिखाने के बाद ये हम लोग को सपना दिखाया, सपना दिखाने के बाद ये सब 8,000 की ज्वाइनिंग लिए और 8,000 ज्वाइनिंग देने के बाद ना कंपनी दिखाया और उसके बाद ना कोई पैसा दिए ना कोई प्रोडक्ट दिए। लमसम कितने लोग होंगे आप लोग? हम लोग कम से कम यहाँ पे प्रेजेंट में तो अभी 8 से 10 लोग हैं और टोटल लड़कों को जोड़ा जाए तो 500 प्लस होंगे। आपका भी क्या नाम है? पूजा यादव। कहाँ के रहने वाले बेटा? जौनपुर। जौनपुर, तो आपके आप इनके संपर्क कैसे आई? सर ऐसी आदि जैसे सर लोग आए इसी तरीके से हम भी आए थे। तुम भी अच्छा है, तुमने भी 8,000 रुपये दिया जी क्या सर? कुछ पैसा वापस मिला आपको? कुछ नहीं मिला है। क्या कहते हैं मांगने पर? मांगने बोलते हैं कि उसका खाना पीना आप लोगों को खिला दिए, उसका प्रोडक्ट दे दिए, प्रोडक्ट वगैरह हमको कुछ नहीं मिला है। प्रोडक्ट कुछ नहीं। आपका क्या नाम है? सर सुनीता मेरा नाम है। कहाँ के रहने वाले? सुल्तानपुर। तुम्हारा कितना पैसा लगा है? 8,000। उसमें कुछ आपको मिला है? नहीं सर कुछ नहीं मिला उसमें। कुछ नहीं मिला है, चलिए। अरे भैया क्यों क्यों
काम करेंगे, उनको हम 15 दिन के बाद चाबी दे। लाइक आई तो ना डाउनलाइन का।